नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के धर्मापुर के ग्राम सभा ठकुरची में। अब ये लड़की के पिताजी हैं, ये लड़की की माँ हैं, ये उनकी नानी भी यहाँ गांव के लोग हैं, वहाँ उनके चाचा हैं, यहाँ सब उपस्थित हैं। 19 तारीख को लड़की यहीं धर्मापुर बाज़ार में गई थी कपड़ा सिलवाने, फिर वहाँ से यहाँ घर से लगभग 11:30 बजे से निकली थी। उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। आज 8 दिन हो गया, ये थाने में कंप्लेन की, फिर उसके बाद फिर SP साहब को प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन अभी तक इनकी बेटी का कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। फिलहाल ये आला अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके यहाँ ये जाकर तमाम जगह एप्लीकेशन दे रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं क्या कहीं लड़की का किसी से बातचीत होता था, क्या नहीं होता था, आखिर बच्ची गायब कैसे हो गई। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है। ये उनके पिताजी हैं, उनसे पूछते हैं कि हर जगह जाने के बाद इनको क्या रिजल्ट मिला। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश, ये बताइए क्या मामला है और अखबार में जो छपा हुआ है किस बात को लेकर छपा हुआ है? सर, लड़की गई थी कपड़ा नपाने, कपड़ा नपा के वापस हुई। उसके बाद करीब 1 बिस्सा दूरी गई, उतने दूर से लड़की गायब, और बाजार में कोई नहीं कह रहा है कि हम देख रहे हैं या कोई दबाव या कुछ भी हो। किसी से बातचीत होता था कहीं? नहीं, कुछ सर। तो वो किस बाजार में गई थी वो कपड़ा सिलवाने? धर्मापुर बाजार। किसके यहाँ? बेचू टेलर। तो उनके यहाँ आप बातचीत किए तो क्या पता चला आपको? वो बोले 10 मिनट में वापस चल गई, मेरी दुकान खड़ी नहीं हुई, कपड़ा नपाई चली गई। उसके बाद मैं देखा नहीं यहाँ से किधर गई। आप लोगों को जानकारी कब हुआ कि हमारी बेटी, आप तो बता रहे हैं कि राजगीर का काम करते हैं जौनपुर में, जीवन यापन करने के लिए आपके 4 बेटियां हैं, एक बच्चा है जिसमें से एक बेटी डिस्टर्ब है आपकी, और आपकी पत्नी की एक आंख भी चली गई है, नहीं दिखाई देता, एक आंख भी डिस्टर्ब है, उसको भी ऑपरेशन आप लोग कराए हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी कब हुआ कि हमारी बेटी वापस नहीं है? काम से आप उस दिन काम पर गए थे कि नहीं गए? नहीं गए थे सर, 4 घंटा बाद वापस पता लगा था हमको, पता लगा 5 बजे के बाद, क्योंकि मेरे गांव में एक शादी पड़ी थी, वहाँ बहुत भोज था, हम लोग सोचे वो बहुत भोज में गई थी, लेकिन वहाँ पता लगा नहीं। नहीं। उसके बाद 5 बजे के बाद हम लोग खोजे बीन करने लगे, कहीं नहीं दिखाई, न कोई कुरूफ मिला उसका। आप हर जगह पता लगाए? जी सर। आपके जो रिश्तेदार है तमाम जगह? हर जगह फोन किया और पता नहीं लगा। कहाँ कहाँ आप गए प्रार्थना पत्र दिए? दीवानी, कलेक्ट्री, कटघरा, कप्तान की यहाँ, DM की यहाँ, SP की यहाँ, और कहाँ दिए आप? थाने पर। तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? कोई रिपोर्ट नहीं मिला सर आज तक, न कोई रसीद मिला कि थाने पाया और इतनी चीज बोल के इतना चीज लिखा के गया, इसका कोई रसीद पुर्जा नहीं मिला हमको। आपकी बेटी पढ़ाई करती थी नहीं? 8 तक पढ़ी थी सर। उसके बाद छोड़ दी? उसके बाद छोड़ दी, क्योंकि हमारे औकात नहीं थी पढ़ाने के, इसलिए वो छोड़ दी। तो अभी अब आला अधिकारी को क्या निवेदन करना चाहते हैं, या तो किसी के बातचीत या कहीं फ़ोन से आपकी लड़की बातचीत करती थी किसी? उसके बारे में हमको नहीं पता सर, हमारे 3 मोबाइल है, मैं तीनों मोबाइल लिलियांस पे चढ़ाना चाहता हूँ, अगर कहीं अगर नंबर होगा किसी से बात करनी होगी वो पता लगेगा। लेकिन अफवाह एक उड़ रहा था और लोगों से जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि आपके गाँव में ही कोई लड़का से बातचीत या कुछ ऐसा, आप भी आरोप लगा रहे थे कुछ? लेकिन सर इसका हम किसी के ऊपर सर नहीं कर सकते हैं ना, ये किसकी किससे बात की कैसे की, जब आप जानते नहीं हो तो किसके ऊपर शक करोगे? अगर शक करोगे तो उल्टा फंस जाओगे, लोग धमकी आएंगे। अब यहाँ कुछ गांव वाले हैं, मैं उनसे पूछूं क्या नाम होता है माता जी? क्या नाम हो? मेरा? हाँ, क्या नाम है? किरण यादव। किरण यादव, तो लड़की का रहन सहन कैसा था जो मानसी थी? वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, एकदम सीधी साई थी, ये सब किसी के बात विवाद करने के चक्कर में नहीं थी वो। हाँ, वो गई थी इसी बाज़ार कपड़ा सिलवाने के लिए, वहाँ से सिलवा के रिटर्न हुई, फिर उसके बाद इधर आई नहीं, उधर से गायब हो गई। इसे कोई छोटा तो बच्चा है नहीं कि गायब हो जाएगा इधर उधर, 21 साल की थी, बालिग थी लड़की। अच्छा है, पता नहीं। हाँ, तो इधर तो हम लोग को नज़र में तो ऐसी तैसी नहीं थी वो लड़की, हम लोग को नज़र में तो अच्छी थी, हम लोग जो सामने हैं सामने सामने देख रहे हैं कि अच्छी है, ना किसी से ज़्यादा बातचीत करना, ना किसी से बोलना फिरना, सिर्फ अपने काम से काम मतलब से रहती थी वो। हाँ, ना किसी लड़के से बात करना ना कुछ। जैसे जो मानसी के जो माता पिता हैं बहुत गरीब हैं, जिस तरीके से इनका रहन सहन हम देख रहे हैं,
इनके चार बेटियां, एक बेटी तो इनकी डिस्टर्ब है, देख रहा हूँ गूंगी है, बोल भी नहीं पाती। हाँ वो बोल नहीं पाती, तो ये लोग तो गरीब हैं, लेकिन खिलाने पिलाने के लिए और पहराने के लिए कोई किसी चीज़ की कमी नहीं दे रहे थे। तो आप लोग को कब जानकारी हुआ कि मानसी गायब हो गई है? हम लोग को तो 9 बजे रात को मालूम हुआ। 9 बजे? हाँ। ये जब माता पिता इनके दौड़ रहे थे? हाँ तब दौड़ रहे थे, जब यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई तब हम लोग को मालूम हुआ कि मानसी गायब हो गई है। 19 तारीख को ही पुलिस आ रही थी, आई थी उसके दिन? हाँ, उसी दिन आई थी, 19 तारीख को रात को 9 बजे आई थी। आप क्या लगती हैं लड़की की? चाची। चाची लगती है। तो आप यहाँ जब मानसी जाती थी तो किसी से मोबाइल वोबाइल कुछ ली थी? हमारे यहाँ आप लोग हमारे पा ही है, हमारे 2400 घंटा यहाँ नगा हमारे से कादेश बोलबे डोलबे नहीं कराए। इतना वो रही सही लड़की, न रगड़ा न झगड़ा न चुट्टी न छिना न बदमाश कुछ ना है, खाली अपन करे खाए ऐसा तैसा के ओकरे दुआरे आ जाए तो समझाऊ देख के हरदम फिरंटाए रहा है। जैसे आप लोगों के यहाँ जब आती जाती रही होगी मानसी, ऐसे इधर उधर कहीं जाना हुआ तो कभी ऐसा कुछ लगा कि नहीं कुछ है बातचीत कहीं? ना कपता हूँ ना, अपने घरे से घरे आना बेबन मतारी रहा है, संगे जाए संगे आवे घर से, अब क्यों घरे ने भी आए न गाने की घरे ने जाए, अपने घरे से घरे घरे से घरे हाँ कपता हूँ ना जाए। तो उस दिन कैसे गायब हो गई? अब वही दिन गायब हो गई, कपड़ा सिया करता हूँ बिया शादी रहा अपन जाए हुए बदे पठाई दिन गए लेके, अब तो अकेले हाटो बजान न करे जाए अपने घरे से। पुलिस तो पूछ रही है कि किसी के ऊपर आपको शक है तो बताइए। अब हम कैसे कही साहेब के करे ऊपर शक बा, कैसे आपके के कहीं बनाई उन्हें लेके भाग गई है, लेके भाग गई। जब सुरक्षित लड़की अपने घरे हमेशा हाओ, गरीब दुखिया हो अपन दिन भर मजूरी करे संझक खियावे लिया है कि 1 किलो आटा 1 किलो खियावे, तो कैसे मन कही कि भाग गए? तो पुलिस कैसे ढूंढेगी बच्ची को जब किसी के ऊपर शक नहीं है? या मोबाइल वोबाइल कुछ चलाती उलाती थी? कुछ ना है, कुछ ना है। तब कैसे ढूंढेगी पुलिस जब किसी के ऊपर शक हो तब ना? अब हम कैसे बताए साहेब के उनका शक हो, उनका शक हो, जब हम के घरे बोलता है रोलर ना देखा था ककरे ऊपर शक करिए। इस वक्त मेरे साथ उनकी माता जी हैं, क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला जी बताइए आपकी बेटी क्या कह के गई थी मार्केट में? मेरे यहाँ यही कह के गई थी मेरी बेटी कि जा रही हूँ जल्दी कपड़ा सिलवा के आ जाऊंगी, और मैं उसको 200 रुपया दे रही थी, लेकिन वो 100 रुपया लेके गई कि मम्मी रहने दो नानी आने वाली है फालतू खर्चा मत करो, और लेके कपड़ा लेके गई जल्दी कि आ जाऊंगी जल्दी तो नानी आने वाली है आके चलूंगी मतलब कि घास काटने और आऊँगी तो नानी आ जाएगी साँझ को तो खाना पीना बनाऊँगी अपना, और मैं छोटी वाली लड़की के लेके काम करके चली गई घास करने। मेरे जब इतनी टाइम तक नहीं आई तब मैं इधर उधर दौड़ने लगी लेकिन कहीं पता नहीं चली, पता लगाई तो वहाँ पहुँची थी कपड़ा देने, दे के वापिस घर नहीं आई। एक बेटी जो होती है अपने बाप को सारी बात नहीं बताती लेकिन माँ को अपनी सारी बात बताती है, क्योंकि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ को सहेली समझ लेती है और हर अपनी दुख सुख की जो पीड़ा होती है अपने माँ के साथ शेयर करती है। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी कभी कोई बात कही होगी आपकी बेटी जो मानसी है? नहीं मानसी तो ऐसी बात कभी नहीं कही, लेकिन ये तो मेरे साथ दुख में रह रही थी, मैं तो लेके अपने बच्चों के सती हो रही थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरी लड़की मैं पैदा करके उसको इतनी बड़ी कर रखी थी, मेरे के ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरी लड़की गलत कर सकती है, मेरे को कभी नहीं विश्वास हो रहा है इसका गलत रहा कि कभी मेरी लड़की। अभी 8 दिन हो गए आपके बच्चे गायब हुए, कहीं से कुछ अता पता चला? नहीं कोई पता नहीं चली, कोई पता नहीं, नहीं कोई पता नहीं। तो आप लोगों को कब जानकारी हुई कि मानसी घर पे नहीं आई? वही सांझ को हुई, शाम को। हाँ शाम को हुई। हाँ। यही मेरी गलती है कि मैं शाम को पता करी, 11:30 बजे चली गई थी। हाँ, आप हाँ। शाम को कितने 8-9 बजे ढूंढ रहे? नहीं 8-9 बजे नहीं, थोड़ा सा दिन था मतलब थोड़ा दिन 6-9 बजे दिन था थोड़ा। हाँ। तब मैं खोजने लगी कि कोई लड़की के साथ में गई है कि अब तक बाजार में आई, लड़की बाजार में रुकती नहीं थी कभी, जल्दी जाती थी कभी कभी जाती थी, जल्दी जाती थी जल्दी चली जाती थी, और उस टाइम लेकिन गई तो इतने देर करके फिर मैं दौड़ने लगी कहीं पता नहीं। कभी कोई बात ऐसी आपको कुछ लगी होगी 1-2 महीना पहले या कभी के लेकर कि आपको कुछ बात बताई होगी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। पुलिस तो कह रही है कि कुछ पता बताएं, पुलिस कह रही है लेकिन किसके ऊपर बताऊं मैं? किसी के ऊपर मेरी शक नहीं है, नहीं किसी के ऊपर शक नहीं है, ऐसा ऐसी लड़की नहीं थी नेचर की खराब, तो क्या कहें अब हम किसी के ऊपर, गांव के या बाजार वजार में कहीं किसी के ऊपर शक नहीं है मेरे। तो उस टेलर का क्या नाम था जो बता रहे? बेचू टेलर। गए थे आप वहाँ?
हाँ तो क्या कहा वो कहे कि जो कि मेरे पास आई थी लड़की, कपड़ा देके तुरंत ही वापस चली गई। उससे आपने पूछा नहीं कि उसके साथ और कोई था? नहीं, अकेल थी। अकेल? हाँ, लड़की अकेल थी। हाँ। उसके यहाँ कुछ कैमरा वैमरा लगा हुआ है? नहीं नहीं, कोई कैमरा नहीं। कुछ नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा है। तो आपकी माँ कब आई यहाँ पर? माँ उसी दिन आई है जब सूचना आप दी। हाँ, जब सूचना दी हूँ जब ही आई है। उनके पापा लेने गए थे मम्मी के, और जो है इसीलिए नहीं तो उनको मैं भेजती देखने के लिए कि जाके देखो कितनी देर से लड़की नहीं आई। मतलब आपके पति आपके माँ को लेने गए? हाँ, लेने गए थे। और जैसे वो शाम हुई, जैसे घर पे पहुंची हैं, तैसे यहाँ हम लोग अपना इधर उधर कर रहे थे कि फोन ऑन कर रहे थे सारे जगह कि पता चल जाए, लेकिन कहीं ना पता तब तक ये घर पे पहुंच गई। जिस दिन आप थाने में गए थे आपके पति, उसी दिन पुलिस आई थी? हाँ, उसी दिन आई थी। पुलिस पूछ रही होगी? हाँ, पूछी पुलिस, लेकिन पुलिस के बहुत लोग कहे कि ऐसी लड़की नहीं, पुलिस को विश्वास नहीं हुई। वास्तव में मुझे भी नहीं, गले के नीचे पानी उतर रहा है, क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा रहता है, एक बार गायब हो जाता है इधर तो बात तो समझ में आती, लेकिन एक बालिक किशोरी अगर लापता हो जाए तो बहुत अजीब हो जाता है बात को लेकर। आप उनकी नानी हैं, तो जैसे जो मैं पूछ रहा हूँ कुछ गलत पूछ रहा हूँ? नहीं, सही सही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही। छोटा बच्चा गायब होता तो आप भी समझिए, चलिए इधर उधर चले गए। एक 21 वर्ष की बालिक किशोरी गायब हो जाए तो बड़ी बात है। बड़ी बात है, लेकिन तो वही है कि बड़ी बात तो है ही है, लेकिन तो लड़की ऐसी नहीं थी कि हमें विश्वास है कि वो किसी के साथ गई है, हमें नहीं विश्वास है। उसके पास न मोबाइल सर, न कोई चीज़, तो हम कैसे करें किसी से बातें वो कर रहे हैं। बातचीत होती थी मानसी? फोन से इसके बात होती थी, माँ का फोन से होती थी। मत मानसी से माँ के मोबाइल से बात होती थी? कभी हमारे से एक बात दो बात कर लेती थी, फोन इसको दे देती थी। हाँ, ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन मेरे को लेने वो गए थे, उसी दिन का बात थी। अपना वो गई बाजार में कपड़े लेके और लौट के फिर घर नहीं आई। क्या घटना उसके साथ हुआ अब हमें घर पर क्या पता, क्या जानते हैं। किसी से दुश्मनी आप लोगों का कुछ? अब भाई हम तो यहाँ रहती नहीं हूँ। हाँ, सब उनके गांव का लोग वही बता दिए, मैं तो रहती नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ। बस मेरी लड़की सही थी, बस इतना बता सकती हूँ। हाँ, मेरी लड़की सही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की मतलब चलो अपने आप अगर चली जाती किसी के साथ तो आज हम परेशान नहीं होते, बिल्कुल भी छोड़ देते, उसकी मर्जी होती आती नहीं जीन आती। पता होना चाहिए किसके साथ गई। हाँ, बस हमें यही पता चलना चाहिए किसी के साथ गई है, अब वो आ जाए एक बार हमें मिल जाए बस, फिर वो चली जा कोई बात नहीं। या तो हो सकता है किसी के साथ दुश्मनी, वो मार भी सकता है। अब वो तो सर दुनिया में ऐसा हो रहा है, इस मारे डर रहे हैं हम, इसी मारा तो डर रहे हैं। खाली आप लोगों को एक बार जानकारी हो जाए, जानकारी हो जा कि हाँ किसी के साथ गई है, एक बार हमें बस पता लग जा कि हाँ गई है, हम खुशी खुशी भेज देंगे, जा अगर तेरी मर्जी उसके साथ रहना है तो चली जा, लेकिन हम लोगों को परेशान मत करो। हमें परेशान मत करो, हम परेशान हैं, आज एक हफ्ता हो गया, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, किसी घर से कोई बना के दे देता है, खा लेते हैं। मैं अपने पोती बुलाई हूँ घर से, तो अब सबके दाना पानी दे रही है। का नाम हो दादी मतहार? मार शकुंतला नाम है। यहीं घर है? हाँ, घर है, सामने है। सामने तो रहन सहन कैसा था मानसी का? रहन सहन बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक? हाँ ना, तो हमने गड़बड़ कहाँ से हो गया? गड़बड़ पता नहीं, हम देखा नहीं तब कैसे बताएं कैसे कहाँ से गड़बड़ हुआ। कभी गलत देखा नहीं, कभी अगर वहाँ से आवल जाए कि हाँ चली आवा, घास करे या कौनो बात करे कत्तो चली, तो खुद चिढ़ जाए हमने के ऊपर की बुढ़िया हो के तो हमने कैसे इसे कह ली। मगर मतलब कोई आप ऐसा कुछ बात बोलती थी मजाक में तो भड़क जाती थी? हाँ, कि आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, भड़क जाती है, भगावा लगे तुरंत कि भाग बुढ़िया यहाँ से, भड़क जाए। हाँ, बाकी पता नहीं एकर कैसन नेचर निकल गया कि हम लोग जान ना पौली, यहाँ से गई वहाँ से फिर वापिस ना आई। पूरा गाँव एकदम परेशान है, पूरा गांव परेशान है, खाली एक बार वो मिल जाए बस, फिर जहां हो वहां चल जाए खुशी से। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? कौनो दिक्कत ना हमने क्या, वो चल जाए फिर यहां आए के और चल जाए, चुप करो, कौनो दिक्कत ना हो, जिकरे संगे रही खाई कमाई अपन अच्छा से रही, बगैर परेशानी दूर हो जाए। एक आप लोगों को मतलब कह रही हैं कि किसी के ऊपर शक नहीं है? कौनो शक ना रहा, एकदम हमने देखा नहीं तो के बताए। अब अन्ना से तो है कह दे तो के जान जाए, अगर नहीं मान लीजिए हाँ नहीं लेके गए तो दुश्मनी हो जाएगी। हाँ, और का भाई हमको बेफोकड़ का फंसा रही है,
वो फोकट के जब हमने जाना नहीं तो कैसे पता करो। बस ये बात हो, जहाँ हो खुशी खुशी से एक बेरी मिल जाए बस। इस वक्त हमारे साथ एक गांव के ग्रामीण हैं और लोग यहाँ जुटे, उनकी नानी है, उनकी माँ है, इधर उनके चाचा हैं, यहाँ कुछ लोग जुटे थे। उनके आधार से जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, पूछने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई कि लड़की बेहद साफ़ सुथरे की विचार की थी, लेकिन इनके माँ का कहना है कि यहीं धर्मापुर में वो कपड़ा सिलाने गई थी, फिर वहाँ से वापस नहीं लौटी। फिलहाल जब आला अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जाँच की टीम गठित की गई है, जल्द से जल्द पता लगाया जाएगा कि लड़की कहाँ है। फिलहाल एक मेरा एक गांव में आकर एक अनोखा रिपोर्ट है कि जो गांव की जो बच्चियां हैं, उनकी बच्चियां कहाँ जा रही हैं, उनके माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि अगर मेरी बेटी कहाँ जा रही हैं, हो सकता है उनके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। फिलहाल एक हमारा एक रिपोर्ट था कि गाँव के बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं, उनके माता पिता ध्यान दें। जय हिंद।